नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित। दिल्ली की सुकृति गुप्ता 497 नंबर लाकर बनी टॉपर। हरियाणा की पलक दूसरे और सौम्या तीसरे नंबर पर। मोदी को चुनावी जीत का श्रेय देने पर शिवसेना का बीजेपी पर कटाक्ष। मुखपत्र सामना में लिखा, ट्रंप हिलेरी की जीत का श्रेय भी देंगे मोदी को। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को दी डंडे की धमकी। कहा, हम बिजली कंपनियों को ना डंडे में कमी कर रहे हैं ना डंडे के साइज में। बिहार में गुटखा और पान मसाले पर बैन जारी। नीतीश कुमार ने एक और साल के लिए बढ़ाई अवधि। सामने आया आईएसआईएस का एक और वीडियो। अरबी भाषा में कहा, भारत से लेंगे कश्मीर, बाबरी मस्जिद, गुजरात और मुजफ्फरनगर का बदला। 22 मिनट के वीडियो में भारतीय लड़ाकों को बनाया गया मोहरा। और दिल्ली में अफ्रीकी मूल के नागरिक की पत्थर से पीटकर हत्या। 3 से 4 बदमाशों ने वसंत कुंज इलाके में किया हमला। सीसीटीवी फुटेज से सबूत तलाशने में जुटी पुलिस। सुर्खियों के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीबीएसई के 12वीं के नतीजों के साथ। जी हां, 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। यहां तक कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर भी लड़कियों ने टॉप किया है। दिल्ली के अशोक विहार के मॉन्टफोर्ट स्कूल की सुकृति गुप्ता टॉपर बनी है। सुकृति को 500 में से 497 नंबर मिले हैं। दूसरी टॉपर रही कुरुक्षेत्र की पलक गोयल, जिन्हें 500 में से 496 नंबर मिले हैं। और तीसरे नंबर पर करनाल की सौम्या उप्पल, जिन्हें 500 में से 495 अंक मिले हैं। इस बार 88.05% छात्राएं और 78.5% छात्र पास हुए हैं। और अब खबर राजनीति से। विधानसभा चुनावों में मोदी को जीत का श्रेय देने पर शिवसेना ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि क्या ट्रंप हिलेरी की जीत का श्रेय भी देंगे मोदी को। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद भले ही बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही हो, लेकिन शिवसेना ने सामना में बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा है। सामना में कहा गया है कि इस चुनाव में स्थानीय नेतृत्व की जीत हुई है और इसमें मोदी सरकार की 2 साल की नीतियों की जीत से जोड़ना गलत है। सामना में बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा गया है कि कल को अमेरिका में ट्रंप या क्लिंटन की जीत होगी तो क्या उसे भी मोदी सरकार की नीतियों की जीत कहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली से, जहां गर्मी ने सीएम अरविंद केजरीवाल का पारा भी बढ़ा दिया है। बिजली की बढ़ती खपत और पावर कट के मसले पर केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को डंडे का डर दिखाया है। दरअसल केजरीवाल बिजली की समस्या पर जनता से मुखातिब हो रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि ये आप चिंता ना करें, सरकार बिजली कंपनियों को डंडा दिखा रही है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि ना तो डंडे में कोई कमी हो रही है ना ही डंडे के साइज में। हालांकि उनके इस बयान और इसमें इस्तेमाल भाषा विवादास्पद मानी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी केजरीवाल ने नौकरशाहों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी थी, जिसकी काफी किरकिरी हुई थी। और अब बात बिहार की। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बाद अब नीतीश सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला पर बैन जारी रखा है। सरकार ने फिर 1 साल के लिए इस बैन को बढ़ा दिया है। अब 21 मई से 1 साल तक राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले को बनाने, बेचने और भंडारण करने पर पाबंदी रहेगी। बिहार में गुटखा और पान मसाले पर यह पाबंदी पहले ही लगाई जा चुकी थी और इसके इस्तेमाल को रोकने या कम करने के लिए लंबे समय से सरकार और सामाजिक संगठनों की ओर से जागरूकता मुहिम भी चलाई जा रही थी। और अब बात आतंक का पर्याय बन चुके संगठन आईएसआईएस से जुड़ी। आईएसआईएस ने एक वीडियो जारी कर भारत से बदला लेने की धमकी दी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने एक वीडियो जारी करके बाबरी कश्मीर, गुजरात, मुजफ्फरनगर का बदला लेने का ऐलान किया है। अरबी में बनी 22 मिनट की वीडियो में आईएस में शामिल हो चुके भारतीय नौजवानों को ही चेहरा बनाया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला फहाद शेख भी फिल्म में दिख रहा है और अपने ही देश भारत को धमका रहा है, बदले की धमकी दे रहा है। शेख इंजीनियरिंग का छात्र था और 2014 में सीरिया जाकर आईएस का मोहरा बन गया था। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली से, जहां अफ्रीकी मूल के युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ये वारदात वसंत कुंज थाना इलाके की है। मृतक का नाम ओलिवा है, जो काम के लिए यहां रह रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात ओलिवा का
तीन से चार युवकों से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन युवकों ने ओलिवा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उस पर पत्थर से कई वार किए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पत्थर को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये हमलावर कौन थे और उन्होंने किस कारण से ओलिवा की इतनी बेरहमी से हत्या की है। मुरलीधरन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।